मंडी शिक्षा उत्थान समिति का कुनबा और पहुंच बढ़ाने के लिए जिले में 3 महीने का महाअभियान छेड़ा जाएगा। इसके तहत जनता और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से जिले भर में अधिक से अधिक लोगों को समिति से जोड़ा जाएगा। मंडी शिक्षा उत्थान समिति का कुनबा और पहुंच बढ़ाने के लिए जिला में 3 महीने का महाअभियान छेड़ा जाएगा। इसके तहत जनता और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से जिले भर में अधिक से अधिक लोगों को समिति से जोड़ा जाएगा। समिति के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार के सभी माध्यमों का प्रयोग किया जाएगा। उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आयोजित मंडी शिक्षा उत्थान समिति की बैठक के उपरांत की जानकारी दी। बैठक में समिति के गैर सरकारी व सरकारी सदस्यों और विभिन्न शिक्षण संस्थानों और समाजसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आशुतोष गर्ग ने कहा कि समिति जरूरतमंद बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवा रही है। इसके तहत अब तक 312 बच्चों की मदद की जा चुकी है। समाज के अलग अलग तबकों से दान के रूप में करीब 12 लाख रुपए एकत्रित कर विभिन्न शिक्षण संस्थानों के माध्यम से वितरित किए गए हैं। उन्होंने सभी जरूरतमंद बच्चों और दानी सज्जनों से समिति से जुड़ने की अपील की। कहा, किसी भी बच्चे को शिक्षा के लिए मदद की जरूरत हो तो मामला समिति के ध्यान में लाएं। जो लोग बच्चों की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद करने के इच्छुक हों, वे संबंधित SDM से इसे लेकर मिलें। इसके अलावा उपायुक्त कार्यालय या सचिव जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यालय दूरभाष नंबर 01905224913 पर भी संपर्क किया जा सकता। समिति सदस्य अपने आसपास के लोगों को भी मंडी शिक्षा उत्थान समिति से जुड़ने के लिए प्रेरित करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जा सके। कोई भी व्यक्ति समिति का सदस्य बन सकता है और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में मदद कर सकता है। समिति की गतिविधियों को और बेहतर तरीके से कार्यान्वित करने के लिए अगली बैठक में गवर्निंग बॉडी का गठन किया जाएगा, मैनेजिंग टीम बनाई जाएगी। इससे समिति के कामकाज को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सकेगा। समिति हर 3 महीने में बैठक करेगी। समिति जिन बच्चों की मदद कर रही है, उनके लिए जल्द ही एक काउंसलिंग सेशन रखा जाएगा। इसमें उन सभी बच्चों को बुलाकर उन्हें आगे की पढ़ाई और करियर को लेकर उपयुक्त मार्गदर्शन दिया जाएगा। इस दौरान उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी पर जोर दिया जाएगा। भविष्य में इस प्रकार की व्यवस्था विकसित करने के प्रयास किए जाएंगे कि बच्चों और डोनर के बीच सीधा संपर्क व संवाद हो सके। मदद चाहने वाला बच्चा जिस क्षेत्र का हो, उसी क्षेत्र के समिति सदस्य से उसके पढ़ाई के खर्चे के लिए मदद लेने का प्रयास किया जाएगा। इसमें समिति की मध्यस्थ की भूमिका रहेगी और डोनर व बच्चे में सीधे संवाद की व्यवस्था बनेगी। इससे दान देने वाले लोगों को इस बात का भी पता रहेगा कि वे किसकी मदद कर रहे हैं और वह बच्चा पढ़ाई में कैसा प्रदर्शन कर रहा है। समिति को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए जिले भर में होने वाले मेलों से अर्जित आय का कुछ प्रतिशत समिति के खाते में डालने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इसके अलावा मेलों त्योहारों में समिति अपने स्टॉल लगाएगी, ताकि लोगों को इसकी गतिविधियों की जानकारी मिले और अधिक लोग इससे जुड़े। बैठक में मौजूद सभी गैर सरकारी व सरकारी सदस्यों ने जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा तय बनाने की इस मुहिम को आगे बढ़ाने में हर संभव मदद का संकल्प दोहराया। इस दौरान समिति के सदस्यों ने इसकी गतिविधियों को और निखारने के लिए बहुमूल्य सुझाव दिए। कई बार आर्थिक तंगी और विषम पारिवारिक परिस्थितियों के कारण कुछ बच्चे पढ़ने की इच्छा रखने के बावजूद उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसे बच्चों की मदद करने के उद्देश्य से सितंबर 2015 में उत्थान समिति का गठन किया गया था। ये आम जनता की पहल थी, जिसमें फिर जिला प्रशासन जुड़ा और उसे व्यापक अभियान की सूरत दी। जिला सचिव रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव OP भाटिया ने बैठक की कार्रवाई का संचालन करते हुए समिति की अब तक की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि समिति ने बुक बैंक भी तैयार किया है। इसमें बच्चों को सिलेबस की किताबें मुहैया करवाई जा रही है। सो इंटरेस्टिंगली 320 स्टूडेंट्स जिनको आज तक शिक्षा उत्थान समिति के थ्रू फाइनेंस किया गया, उसमें से 80% आर गर्ल स्टूडेंट्स। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि इतनी गर्ल स्टूडेंट्स को इसके थ्रू हेल्प करी जा चुकी है। देन एक जो एग्जांपल अभी ये डिस्कस कर रहे थे, तो ये भी एग्जांपल एक ही परिवार में, दे आर 5 सिस्टर्स और उनका उनके फादर नहीं है। इट इज फ्रॉम जोगिंदर नगर, ये जो फैमिली है। एंड दो लड़कियां जिनकी
फीस के लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था, दे आर रियली गुड, टेंथ और ट्वेल्थ में दे हैव स्कोर्ड मोर देन 90-95% मार्क्स। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, तो हमारा बैठक रखने का पर्पज भी ये था कि हम लोग जो है शिक्षा उत्थान समिति के साथ थोड़े और लोगों को जोड़ पाए। और इसमें एक अच्छी बात यह है कि जितनी भी फीस जाती है वो डायरेक्टली हम इंस्टीट्यूशन को देते हैं, सो जिस इंस्टीट्यूशन में वो स्टूडेंट एनरोल्ड हो वो स्टूडेंट या फैमिली को नहीं देके उसी इंस्टीट्यूशन को फीस दी जाती है, सो दैट उससे ये इंश्योर होता है कि कम से कम उसका पैसे का यूटिलाइजेशन उसी पर्पज के लिए हो, इट शुड नॉट बी मिस यूटिलाइज्ड। तो ये शुरुआत से ही चीज रही है इसमें एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग। दूसरी चीज जो हमने ये नोटिस करी कि कई बार देयर विल बी कुछ सम पीपल, कुछ डोनर्स ऐसे होंगे जो ये चाहेंगे कि हम किस स्टूडेंट को हमारा पैसा जा रहा है, हम किस स्टूडेंट की एजुकेशन फाइनेंस कर रहे हैं, वो आप हो सकता है जानना चाहेंगे आप किसको फाइनेंस कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ये थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करी थी कि दो तरीके हो सकते हैं, या तो सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन आ जाए, जो भी डोनर्स हैं वो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कर दें। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास डोनर्स की लिस्ट है, से सपोज वी हैव, हमारे पास 500 डोनर्स हैं जिनकी लिस्ट है, जिन्होंने सिर्फ अपनी सहमति दी हुई है कि वी आर रेडी टू फाइनेंस, अगर कोई ऐसा केस आता है एंड इफ यू रिकमेंड दैट केस टू अस तो आई विल फाइनेंस दैट केस, डिपेंडिंग ऑन कि कितनी आपकी हमारे पास रजिस्टर हो जाए सोसाइटी में कि हम लोगों को अगर आप कोई केस रिकमेंड करते हैं तो वी विल डायरेक्टली सेंड द फी टू कंसर्न इंस्टीट्यूशन। तो उसमें हमारा रोल एक मीडिएटर का रहेगा, सोसाइटी का रोल। तो उस तरह से भी इस मीटिंग को करने का यही पर्पज था कि ऐसे कोई डोनर्स हों, आप लोग हैं यहाँ पे, आपके माध्यम से और भी लोग इसमें जुड़ सकते हैं। हम अपने जितने भी SDMs हैं, आज एक इलेक्शन कमीशन की VC है, अदरवाइज SDM को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था, तो उनको भी हमने यही डायरेक्शन दी हुई है। कुछ लोग हमारे पास जोगिंद्रनगर से आए हैं, बाकी सब डिविजन में हमने SDMs को भी यही डायरेक्शन दी है कि वो अपने साथ इस तरह के डोनर्स को जोड़े ताकि सकता है। और जो पढ़ाई में अच्छे स्टूडेंट्स हैं हु एक्चुअली नीड सम काइंड ऑफ सपोर्ट, तो हमारी कोशिश यही रहती है कि हम जनरली उसी तरह के केसेस को रेकमेंड करें। सो ये थोड़ा सा आप लोगों के सामने हम सजेशन रखना चाहते थे कि ऐसे डोनर्स को आप जोड़ें और आप और आपके अलावा भी और जो आपके ध्यान में हैं उनको भी आप हमारे साथ जोड़ें, सोसाइटी में उनको लाएं। बैठक में SDM जोगिंदर नगर मेहरा, SDM बल आशीष शर्मा, सहायक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी रजनीश कुमार, समिति के संस्थापक सदस्य राजा सिंह मल्होत्रा, मातुल मल्होत्रा, सुधांशु कपूर, रोटरी क्लब जोगिंदर नगर व खत्री सभा मंडी के अध्यक्ष सहित गैर सरकारी सरकारी सदस्य और विभिन्न शिक्षण संस्थानों एवं समाज सेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।